नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बेगूसराय गोलीकांड का भले ही पुलिस ने उद्भेदन कर दिया हो, पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे जांच के बाद कई खुलासे कर लिए गए, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी इस पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष की तरफ से लगातार कई बड़े जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस के कार्यशैली पर भी बड़ा जो सवाल है वो खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष, बता दें आपको कि बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई है। वहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। बीजेपी के कई नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस सिर्फ लीपापोती कर रही है, पुलिस की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं वो सही नहीं है। वहीं इसको लेकर के सुशील कुमार मोदी ने बीते दिनों ये कहा था और ये मांग उठाई थी कि इस मामले की अब सीबीआई जो है वो जांच करेगी। सीबीआई की जांच की मांग को बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही थी। इसको लेकर के अब जदयू की तरफ से भी जो बड़ा पलटवार है वो सुशील कुमार मोदी पर किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने सुशील कुमार मोदी पर एक तगड़ा पलटवार किया है। उन्होंने तगड़ा जवाब दिया और ये कह दिया है कि बीजेपी जो है वो इस मामले की जांच सीबीआई तोते से करवाना चाहती है ताकि जो बड़ा खुलासा है वो बेनकाब ना हो जाए। यानी कि बीजेपी को अब ये डर सता रहा है कि जो साजिश है वो बेनकाब ना हो जाए। ललन सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ सुशील कुमार मोदी को लेकर के कहा गया, हम आपको सबसे पहले वो ट्वीट दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ललन सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सुशील जी, आपके वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा है कि सही अपराधियों को पकड़े जाने का आप लोगों को डर सता रहा है कि कहीं पूरी साजिश बेनकाब ना हो जाए, इसलिए अपने तोता सीबीआई से जांच की मांग करा रहे। चिंता मत करिए, पुलिस प्रशासन पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है और साजिश का खुलासा भी होगा। बता दें आपको कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बेगूसराय गोलीकांड को लेकर एडीजी और एसपी के बयान में भारी विरोधाभास देखने को मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए जल्दबाजी में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जनता के सामने पेश किया गया। सुशील मोदी ने यह कहा कि इस पूरे जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में अभी भी पुलिस स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके परिजन उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बिहार की पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए पूरे मामले की जांच अब सीबीआई से कराई जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं।